अगर कोई अपनी बीवी की केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, तो उसको गुलामी नहीं मोहब्बत कहते हैं। जहां आप अपना घर 2 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, वही औरत अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए छोड़ कर आती है और सारी ज़िंदगी आपका साथ निभाती है। अपनी बीवी की इज्जत और मोहब्बत करें, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपका शौहर दीनदार है, अल्लाह का खौफ रखने वाला है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जमाना चाहे जो मर्जी कर ले, पर वो आपकी मोहब्बत में खयानत नहीं करेगा, क्योंकि जो मोहब्बत में खयानत करते हैं वह दीन से दूर होते हैं और बड़े नसीबे से मिलते हैं आखरत की फिक्र करने वाली। अगर आपकी बीवी आपको रोकती है, टोकती है, आपका इंतज़ार करती है, आपके बगैर खाना तक नहीं खाती, तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि फिक्र करने वाले नसीब वाले को मिलती है। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, जो इस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी और लोगों की बातों में आ गया, उसे मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख बन जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर को चाहिए कि वह दिन में 5 बार अपनी बीवी का माथा और हाथ चूमकर उसे मोहब्बत का इजहार किया करे।